नमस्कार। जय कुमार के ट्रेनिंग रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे सूरत स्टेशन की साइट जो है उसके ऊपर हैं। हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो अंडरग्राउंड का काम रहेगा, मेट्रो का अंडरग्राउंड का काम करना है। मेट्रो में दो तीन तरीके से काम होते हैं, एक ऊपर से भी करते हैं, एक प्लेन भी जाते हैं जो जैसे रेलवे का अपना काम करता है, और दूसरा इस तरीके का रहता है जो ज़मीन के नीचे से जाता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके का है, ज़मीन के नीचे से जाने वाली हमारी मेट्रो की वो साइट है। तो हमारा जो आज की जो ट्रेनिंग रहेगी उसके अंदर एजेंडा क्या क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टाइप ऑफ वर्क परमिट, हेल्थ की पॉलिसी, सेफ्टी की पॉलिसी, हाउसकीपिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग, फायर सेफ्टी, ये सारे के सारे एजेंडा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक एक करके एक एक सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे आपको देखनी है, कैसे कैसे मेंशन करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE की। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी खुद की सेफ्टी के लिए जो चीज़ आपको दी जाएगी, जैसे हमारा हेलमेट है, हमारा जैकेट है, हमारा शूज़ है, सॉक्स है, ये सारी की सारी चीज़ें पर्सनल है। पर्सनल कौन सी होती है, जो खुद की हो, अपनी हो, जो हमारी सेफ्टी के लिए करेंगे। अब हमारा जो निकर है उसको दूसरे को नहीं दे सकते ना, हमारा जैसे ब्लेड करने का है, शेव करने का ब्लेड है, उसको दूसरे को नहीं दे सकते ना, क्यों? क्योंकि अगर हमको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखते हैं। मतलब जैसे ब्रश है, टूथब्रश दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि हमारे जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको जा सकती है और उनको जो है वो हमारे को आ सकती है, इसलिए हम लोग पर्सनल वाली चीज़ें हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव चीज़ों में क्या क्या आता है, हेलमेट, जैकेट, शूज, जो भी आपका हाथ पैर की जो सुरक्षा करेगा ना वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आएगा। अगर आप कोई ऐसा काम करने वाला जिसमें आपके हाथ जल सकते हैं तो आपको वैसे वाले दस्ताने दिए जाएंगे। कोई ऐसा काम, क्योंकि आगे गर्मी बढ़ने वाली है, गर्मी बढ़ेगी तो आपको लोहे की चीज़ें पकड़ने के लिए आपको ग्लव्स लगेंगे। आपको कोई इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से ग्लव्स लगेंगे। तो आपको जो भी जिस तरीके का काम करने वाला हो, मान लो आप ग्राइंडिंग करने वाले हो तो आपको चश्मा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली जगह में काम करने वाले हो तो आपको कान के ऊपर वो लगाना पड़ेगा, ताकि कान बार 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 सुन के परेशान ना हो इंसान। क्योंकि जब आदमी नॉर्मल आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ में रहता है तो फिर उसको दिक्कत हो जाती है, जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाती है। तो उसके बारे में ये हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। जैसे अभी मैंने बोला ना, यहाँ से लेके पूरे शरीर का हर एक अंग का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाया हुआ है। क्योंकि जब कुछ एक्सीडेंट हुए, पहले पता नहीं था हम लोगों को कि भैया ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, लोगों के साथ एक्सीडेंट हुए, किसी के पैर में कील चुभी तो सोचा यार हाँ सेफ्टी शूज़ देना चाहिए, पैर की कील नहीं चुभेगी। कोई आदमी का जो ऐसा कोई हैवी आइटम था वो ऐसे गिर गया पैर के ऊपर, इसके लिए शूज़ दिया गया कि भैया पैर ना टूटे, उंगलियाँ बच जाएँ। किसी आदमी को आंखों में चमक लग गई वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग का बड़ा सा हुक बनाया गया। तो क्यों बनाया गया, ज़रूरत को देखते हुए, क्योंकि पहले उसके साथ वो दुर्घटना हुई है। अब मान लीजिए, जैसे कई बार हमारे साथ क्या होता है, जैसे हम बाइक लेके चल रहे हैं और बाइक के ऊपर स्टैंड लगा रह गया किसी का, तो हम लोग बोलते ना भाई तेरा स्टैंड लगा हुआ तो गिर जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो जैसे ही वो साइड में जाएगा, कोने में जाएगा, गिर जाएगा वो। तो आजकल कंपनी ने क्या किया है, आजकल कंपनियों ने क्या कर दिया है कि भैया बाइक जब तक स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक स्टैंड लगा हुआ है, पहले स्टैंड हटेगा तब बाइक स्टार्ट होगी। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कई बार क्या होता है, तो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी को छोटी गाड़ी दिखाई नहीं देती थी। कोई मान लो कोई स्कूटी वाला है, कोई ट्रक के पीछे से आ रहा है, ट्रक वाले को दिखाई नहीं दिया, उसने मोड़ दिया। तो आजकल क्या कर दिया, हेडलाइट ऑन ही रहती है छोटी गाड़ी की हमेशा। बड़ी गाड़ी में भी देखोगे उसमें दूर से लाइट जलती हुई दिखेगी आपको। अगर आप ऐसे हो 100 मीटर 500 मीटर दूर से कोई गाड़ी आ रही है, आपको दूर से दिख जाएगी। वो सेफ्टी के फीचर है। हर चीज़ में सेफ्टी है, हर चीज़ में सेफ्टी। आप जिस चीज़ में खोजोगे उसी चीज़ में सेफ्टी है, हर एक चीज़ में। आप बस सोच के देखो भाई किस चीज़ में सेफ्टी नहीं है। अब जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम में गर्म हवा निकलती है तो इसके लिए अलग से जगह निकाल रखी है, इसकी गर्मी को बाहर निकालने की, वो इसकी सेफ्टी है। अगर इसको नहीं करेंगे तो जल जाएगा ये। जैसे मोटर के अंदर रेडिएटर होता है, वो क्या करता है, ठंडा करता है इंजन को, इंजन को ठंडा करता रहेगा। हर एक चीज़ में सेफ्टी। अब देखो एक साइकिल है, साइकिल की स्पीड कितनी भगा सकते हो आप, साइकिल को 20-30 भगा सकते हो मैक्सिमम खूब जोर लगा के। और बाइक है, बाइक को कितना भगा सकते हो, 100 तक चली जाएगी। गाड़ी को कितना भगा सकते हो, गाड़ी और भाग सकती है, मतलब बाइक से और ज़्यादा तेज़ भाग सकती है गाड़ी, है ना। जैसी जैसी गाड़ी, ऐसे ऐसे ब्रेक। अब बताओ साइकिल के ब्रेक अगर गाड़ी में लगा देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, रुक पाएगी वो, 100 की स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाएगी वो, और ब्रेक टूट के हाथ में आ जाएंगे। कई बार साइकिल के ब्रेक टूटते हुए देखें, जब हम इमरजेंसी ब्रेक मारते तो वो टूट के फंस जाता ताड़ियों में, क्यों, क्योंकि वो उस स्पीड के लिए बनाई नहीं है। सेफ्टी जो है ना वो ब्रेक का काम करती है। हम लोग सेफली काम करते रहे, सुरक्षित तरीके से काम करते रहे, वो ब्रेक है सेफ्टी। अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो फिर गाड़ी को रोक नहीं पाओगे आप, भागते ही रहोगे, भागते ही रहोगे, भागते ही रहोगे, तो वो रोकने के लिए सेफ्टी है।
ताकि आप सही सलामत जहाँ पे आपको जगह लगे, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे काम रोकना है, यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, वहीं ब्रेक लगा दो, वो सेफ्टी जो है वो ब्रेक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको हाइट पे काम करना है तो आपको जैकेट के साथ साथ एक एक बेल्ट भी दिया जाएगा। अगर आपको जैसे कहीं पे काम करना है या कहीं ऊपर नीचे चढ़ना है तो एक को खोलिए दूसरे को लगा लीजिए, एक को खोलिए दूसरे को लगा लीजिए, दो दो हुक दिए जाते हैं। फुल बॉडी हार्नेस, पहले क्या होता था, पहले हाफ बॉडी देते थे, खाली कमर कमर की रक्षा होती थी। तो क्या होता था, जब आदमी गिरता था ना झटके से तो कमर टूट जाया करती थी, तो आदमी गिरने से तो बच गया लेकिन कमर टूटने की वजह से मर गया। तो इस घटना को बचाने के लिए क्या किया गया, अब यहाँ से बांध देते हैं, तो जो कमर जब आदमी जब गिरेगा ना तो ऐसे बैठ जाएगा, गिरेगा नहीं ऐसे बैठ जाएगा, जैसे ऐसे बैठने की जो पोजीशन होती है ना वो बन जाएगी उसकी। तो वो क्या किया, सेफ्टी ऐड कर दी। हेलमेट है, हेलमेट के अंदर पहले फीता नहीं होता था, आज फीता है। क्यों? क्योंकि हवा तेज आई, हेलमेट उड़ा के ले गई। आप नीचे काम करने के लिए जो टप से हेलमेट नीचे गिर गया, आज नहीं गिरता है क्योंकि फीता है। हर चीज़ में सेफ्टी है। आप देखेंगे जैसे पंखा है, छोटा टेबल फैन है, आप सो रहे हो यहाँ बिस्तर में, ऐसे आपका हाथ जा सकता है ना, तो क्या किया उसके ऊपर ग्रिल लगा दिया। क्यों लगाया, ताकि आपका हाथ गलती से ना चला जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सेफ्टी है। हाँ ये सेफ्टी है, इनको फॉलो करना है। देखो सेफ्टी एक सिस्टम के तरीके से काम करती है। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ आप 200 किलो वजन उठा लेंगे, आप उठा लेंगे। मैं 500 बोल दूँ उठा लेंगे, 50 बोल दूँ उठा लेंगे ना 50। तो फिर भी थोड़ा हेल्प लगेगी, भाई तू हेल्प कर दे, दो आदमी मिलके उसको उठा लेंगे। चार आदमी मिलेंगे तो 100 किलो उठा सकते हैं, पांच आदमी मिलेंगे तो 200 भी उठा सकते हैं, अगर लंबा वजन है तो उठा सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ देखो, मेरे पास में एक चैन पुली है, एक आदमी है चैन पुली खींच रहा है, वो 200 किलो के 1000 किलो भी उठा सकता है। आदमी कितना है, एक आदमी 1000 किलो वजन उठा रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम है। क्या है? सेफ्टी सिस्टम है। जब आप सेफ्टी को सिस्टम के साथ फॉलो करोगे तो एक आदमी 1000 किलो उठा सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम है। आपको उठाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद मोनोब्लॉक जो है ना वो खुद कर रहा है, वो खुद मेहनत कर रहा है ऐसे और धीरे धीरे माल उठ रहा है, वो जर्क नहीं उठा रहा है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे पतंग की तरह खींच रहे हो, ऐसे आपने पतंग खींची पतंग एकदम ऊपर आ गई फिर नीचे आ गई, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे करोगे लोड आराम आराम से उठेगा। ऐसे ही लोड है, लोड को बांध के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मारेगा किसी को, टक्कर मारेगा। हर चीज़ में सेफ्टी है, हर चीज़ में सेफ्टी है। फ़ोन भी जो आजकल आते हैं, फ़ोन के ऊपर गार्ड आते हैं, जैसे ये वाला फ़ोन है, इसके ऊपर ये गार्ड है, ये क्या है इसकी, अब ये नीचे गिर जाए, ऐसे गिर जाए, स्क्रीन के बल गिर जाए, स्क्रीन टूटने से बचेगी, बचेगी। क्यों? क्योंकि सेफ्टी है। ऐसे ही हमारी सेफ्टी के लिए भी हमको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगते हैं। जैसे इसका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक कवर है, हमारा क्या है, आप रात में काम कर रहे हो, रिफ्लेक्टिव जैकेट आपको चाहिए, दूर से कोई गाड़ी आएगी आपको देख के पता लग जाएगा वहाँ चार आदमी खड़े हुए हैं, तो वो ब्रेक डीली कर देगा, ब्रेक लगाएगा कि भैया आगे आदमी खड़े हैं, मैं सेफ्टी के साथ जाऊँगा। जैकेट चमकती है दूर से, तो नाइट में जब काम करते इसलिए बोलते भैया जैकेट पहनो ही पहनो। कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए, कोई गाड़ी बैक कर रहा है, पीछे अंधेरा है, दिखाई नहीं दिया, पीछे हल्की लाइट जलती है वैसे भी। क्यों? क्योंकि बैक लाइट में इतनी पावर नहीं होती है, बैक लाइट रिवर्स लाइट में इतनी पावर नहीं होती, जैसे ही इसके ऊपर गिरती है चमकता है, ये चमकता है तो पता लगेगा हाँ भैया पीछे कोई आदमी है, तो आदमी रुक जाएगा, ब्रेक मार देगा। ऐसे ही सेफ्टी है। अगर आपने जैकेट पहनी होगी तो आदमी आपको रोक लेगा। इसके लिए हम जब गाड़ी जब चलाते हैं ना तो गाड़ी के अंदर भी हम लोग हॉर्न देते हैं, पीछे गाना सा बजता है, गाना बजता है क्या करता था कि पीछे जो लोग हैं उनको पता लग जाए भैया दूर हो जाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी पीछे जा रही है। ऐसे ही हैंड ग्लव्स, अलग अलग तरीके के हैंड ग्लव्स हैं, फावड़ा चलाओगे अलग हैंड ग्लव्स, वेल्डिंग करोगे अलग हैंड ग्लव, बिजली का काम करोगे अलग हैंड ग्लव। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस तरीके के हैं। फेस शील्ड, फेस शील्ड क्या होती है, मान लो आपको ग्राइंडर पे काम करना बहुत देर तक, चाकू धार बनाने वाले देखें क्या करते हैं, चाकू की धार बनाते हैं तो सामने पतंगे जाते हैं, क्या छोटे छोटे लोहे के कण होते हैं, एकदम गर्म जब होगा तो चमकेगा, वो ठंडा होने के बाद कहाँ गया पता ही नहीं लगेगा, नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो पतंगे हैं, वो छोटे छोटे कण किसी की आँख में घुस सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फेस शील्ड बना देते हैं ताकि आपकी आपकी गर्दन में, आपकी आँखों में, आँख नाक में कहीं भी कुछ भी ना जाए। और उसके साथ साथ जैसे धुआं है, अभी जब कोविड आया था तो हमने मास्क पहने थे ना, परेशान किया था ना हमको, थोड़ा परेशान होना पड़ा था, गवर्नमेंट ने बोला था भैया पहनने ही पड़ेंगे, नहीं पहनोगे तो लठ पड़ेंगे, हुआ था ना, जो दस्ताना नहीं पहनते थे, जब ये मास्क नहीं पहनते थे तो लेके पुलिस वाले पीछे पड़ जाते थे, चार आदमी इकट्ठे बैठे हैं, कोई खूब सारी वीडियो ऐसी वायरल हुई थी ना, पुलिस वाले ठुकाई कर रहे थे पकड़ पकड़ के, क्यों कर रहे थे, सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक आदमी को जो बीमारी है वो सबको फैल सकती है, और वो फैलने वाली बीमारी भी थी, वो सांस के संपर्क में आएगा तो आदमी फैल जाएगा, आदमी जहाँ बात कर रहा है किसी से हाथ मिलाया तो फैल जाएगा।
तो इसके लिए क्या करते थे, आदमी को बचाने की कोशिश के लिए ये बोला गया था, भैया हाथ मत मिलाओ, नमस्ते करो। तो हमने क्या किया, अपनी पुरानी जो पद्धति थी ना उस पे आ गए। पहले क्या क्या करते थे गांव देहात में, आज भी क्या करते, राम राम साहब, दूर से ही राम राम बोलते, पास में आके तो हाथ नहीं मिलाते ना, अपने बड़े बुजुर्गों से तो हाथ नहीं मिला सकते ना, तो क्या बोलोगे उनको, राम राम साहब, नमस्ते जी, नमस्ते करते थे ना, आदर करते थे, सम्मान करते थे, वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। आजकल क्या होता है, यल है, हाथ मिलाएंगे ना, तो हाथ मिलाने वाला जो काम वो कम हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सेफ्टी सीखनी है। तो सेफ्टी में क्या क्या देखेंगे, इसके अलावा फेशियल के अलावा कानों के लिए आपके दिया था, मान लो आप बहुत ज़्यादा आवाज़ में काम कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग गाना सुन रहे हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में गाना सुन रहे हैं, एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, जब ज़्यादा बार सुनोगे तो क्या होगा, कान में दर्द होगा, और अच्छी क्वालिटी की अगर वो नहीं है तो कान के अंदर पेन कर देगा, ये सारा हिस्सा दुखने लग जाएगा। और दूसरी बात, जब बहुत तेज़ गाना बार बार तक सुनेंगे ना तो सिर में दर्द हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी मशीन है साइड पे, हिल्टी है, ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन है, जब ग्रिल जो अपनी ये है, ड्रिल मशीन है जो बड़ी वाली जो गड्ढे करती है, पाइल बनाती है, पाइल खोदती है, वो भट्ट 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 की आवाज़ करती है, तो वहाँ पे कोई आदमी रहेगा तो उसको कान पे इस तरीके का सेफ्टी जो मफ है वो पहनना पड़ेगा, ताकि आपको सुनने की जो शक्ति है बनी रहे, नहीं तो धीरे धीरे सुनने की शक्ति क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो कान का हो गया, डस्ट के लिए हमने मास्क का यूज़ कर लिया, जहाँ पे झाड़ू पोछा करेंगे धूल मिट्टी उड़ेगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मास्क, क्योंकि हाँ, धूल के अंदर ऐसे कण होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी वहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, आप कहीं पे भी सूरज की रोशनी को फोकस कीजिए, आप देखेंगे कमरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े धूल के कण आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। वो कण कहाँ जा रहे हैं, वो इतने छोटे कण हैं, हमको आंखों से दिखाई नहीं देते वो, लेकिन ऐसी रोशनी के कांटेक्ट में जब आते हैं तब हमको पकड़ में आ जाते हैं वो। तो क्या होता है, उनसे बचने के लिए हम लोग मास्क लगाते हैं, ताकि वो यहाँ से तो उसको देख लिया, फिर धीरे धीरे क्या होगा, सीधे के सीधे लंग्स में चले जाएंगे, लंग्स में जाएंगे तो क्या होगा, आदमी बीमार हो सकता है, आपको सांस ना आने की बीमारी हो सकती है, क्षय रोग हो सकता है, टीबी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे भी डस्ट वगैरह जो इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, वहाँ ज़रूर आप मास्क लगाइए, वो आपकी सेफ्टी के लिए काम करेगा। उसके बाद में ये देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो एक आदमी खड़ा हुआ, उस आदमी ने हेलमेट पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है, शूज़ पहन रखे हैं, दस्ताने पहन रखे हैं, और साइड में जो आदमी है उसने क्या कर रखा है, मास्क, चश्मा, हेलमेट सब कुछ पहन रखा है, जैकेट भी पहन रखी है ना। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बता दिए, वो सारी की सारी चीज़ें वो हैं, वो कुछ साइन दे रखे हैं भैया, कुछ चमकने का साइन है, ऐसे है तो फिर वो डेंजर साइन है, आपको वहाँ जाना नहीं है, इस तरीके के साइन है, उनको आपने देखना है भाई, कहीं जैसे कोई नीचे वाला जैसे दिखा रखा है ये डेंजर साइन, तो वहाँ पे क्या है, ऊपर कोई सस्पेंडेड लोड है, कोई आपके ऊपर कोई लोड जा रहा है, तो उसके हट जाइए, साइड में हट जाइए। क्यों हट जाइए, हाँ, क्योंकि वो जो रस्सा है ना वो कभी भी टूट सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, कभी लोड किसी चीज़ में फंस जाए, जैसे मान लो मैं ऐसे उठा रहा हूँ और लोड मेरा इस पर टकरा गया, इसकी क्षमता थी 2 टन, लेकिन इसके झटके लगने की वजह से 3 टन हो गया इसका वजन, टूट के कहीं भी गिर सकता है। वो टूट के ना गिरे उसके लिए आपको जो सस्पेंडेड लोड है उनसे दूर रहना है। आपको कोई भी ऐसा जो आदमी, जैसे बाहर का कोई आदमी आ गया आपसे मिलने के लिए, हाँ भैया आप यहाँ पे साइड पे काम कर रहे हो, हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए आ रहा हूँ आपसे, अगर कोई ऐसा आदमी आ रहा है तो उसको साइड से बाहर मिलिए, क्योंकि उसको पता नहीं है साइड के ऊपर कैसा खतरा है, क्योंकि हमको पता है, हमने 10 दिन काम कर लिया साइड के ऊपर, हमको पता है कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, कहाँ पे रेलिंग लगी हैं। बाहर वाला जो आदमी आ रहा है बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं है ना बिजली के बटन वहाँ पे हैं, अब जब आप मेरे को देखोगे करते हुए तो आपको पता लगेगा ना, आपको नहीं पता ना इस दरवाजे के पीछे क्या है, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप नए आए हो, आप 4 दिन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई इस चीज़ में क्या है, इसमें क्या खतरा है, इसमें क्या खतरा है। इसीलिए बोलते हैं जब काम का अनुभव होता है तो आपको काम शुरू करना चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ सिखाने के लिए बुलाया गया है। तो ये सारे के सारे अपने पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हो गए। पर्सनल का मतलब कैसा था, जो खुद के लिए है, अपनी ब्रश दूसरे को नहीं देनी, ऐसे अपना हेलमेट, अपना जूता, अपना जैकेट किसी को नहीं देनी है, और ना किसी का यूज़ करना है। कई बार ऐसी इमरजेंसी होगी ना, ला यार तू दे थोड़ी देर के लिए, भैया थोड़ी देर के लिए भी मत पहनो, इतने माथे के ऊपर पूरा पसीना रहता है ना, दूसरे का पसीना है, उसमें धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या है, आपको भी हो जाएगा। अगर ऐसा इमरजेंसी अगर हो जाए कभी कि आपको पहनना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पहले अपने रुमाल लेके माथे को बांध लीजिए, उसके बाद पहनिए, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो। पहले तो ऐसा एडवाइज करेंगे ही नहीं, बहुत ही भारी इमरजेंसी आ जाए तब ऐसा काम आप कर सकते हैं, फिर भी सेफ्टी के साथ, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। ये परमिट है कुछ, जब भी आप कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जिसमें खतरा हो,
या जिसमें खतरा ना भी हो, तो आपको साइट पर कुछ काम करने से पहले एक परमिशन लेनी है। उसका एक रिटर्न परमिट बनेगा, एक पेज का पेपर रहेगा, उस पर सब साइन करेंगे, आप साइन करोगे, सेफ्टी वाले साहब साइन करेंगे, जो बड़े साहब जो बाहर साइट पर काम कराते हैं इंजीनियर मैनेजर वो साइन करेंगे। तो हम वो परमिट लेंगे, परमिट एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, उसके मतलब सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई थी। जैसे मान लीजिए आप खुदाई का काम करने वाले हो, आप लकड़ी से फावड़ा से आप खोदने वाले हो, लकड़ी के फावड़ा से आप खोदोगे तो क्या होगा, नीचे कोई इलेक्ट्रिकल की केबल निकल सकती है, कोई ऐसा कोई पाइपलाइन निकल सकती है, पानी की गैस की कोई ऐसी लाइन निकल सकती है जिसका हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो पहले देखेगा, सर इस एरिया में हमको खुदाई करनी है, आप उसको जगह बताओगे, साहब इस एरिया में हम काम करने वाले, बताइए क्या करें। तो वो आएगा, देखेगा, चेक करेगा, वो फ़ोन करेगा जो वहाँ पे जो एजेंसी है ना, पानी वाली एजेंसी है, गैस वाली एजेंसी है, उनको फ़ोन करेगा, पूछेगा, साहब आप यहाँ पे हम लोग काम शुरू करने वाले हैं, आपका कोई लाइन तो नहीं है इधर, कभी पता लगे हम काम करें और वो पंचर हो जाए वो गलती से। कई बार ऐसे होता है पंचर हो जाती है, जैसे भी मारते हैं नीचे से पाइप निकल आया, केबल निकल आई, तो ये कारण बहुत सारे हुए हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करना है, पहले परमिट लेना है, परमिट लेगा, सारी चीज़ें देखेगा, वो आपको परमिट दे देगा, हाँ भैया ये काम करने के लिए सेफ़ है, आप काम कर सकते हो। इस तरीके से हॉट वर्क परमिट होता है और कोल्ड वर्क परमिट होता है। हॉट वर्क परमिट क्या है, जिसके अंदर आग लगने का खतरा हो, जैसे ग्राइंडर पर काम करना है, वेल्डिंग पर काम करना है, गैस कटिंग पर काम करना है, ये किस में आ जाएंगे, हॉट वर्क में। कोल्ड वर्क किस में आ जाएगा, जिसमें आग लगने का खतरा ना हो। तो कोल्ड वर्क और हॉट वर्क दो परमिट मेन होते हैं, उसके बाद बाकी जैसा आप काम करोगे, बिजली का काम करना है इलेक्ट्रिकल का है, हाइट का काम करना है हाइट के लिए है, तो अगर किसी ऐसी जगह में काम करना है जहाँ पे निकलने के रास्ते बहुत कम है, तो सबका अलग अलग परमिट बनेगा। ये परमिट है, ये साहब जो है आप जब काम शुरू करेंगे उससे पहले आपको परमिट लेना है, उसके बता देंगे, जब आपका इंजीनियर आपको परमिट लेके देगा उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ सेफ्टी की पॉलिसी है, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट की हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट की पॉलिसी है। इसमें हमने बोला है अपने आप को कि हम जब भी कभी सेफ्टी का साथ काम करेंगे तो हम पूरे सेफ्टी के सारे नियमों का पालन करेंगे, इन्वायरमेंट को हम कोई क्षति नहीं होने देंगे। इन्वायरमेंट क्या है, वो वातावरण जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं। अभी शुद्ध हवा आपको मिल रही है तो आप सही बैठे हो ना, अभी वहाँ पे कोई बीच में पाद मार देगा तो क्या हो जाएगा, बैठ पाओगे। कहने का मतलब क्या है, कोई बाहर से कोई गैस रिलीज हो जाएगी जो कि आप सूंघ नहीं सकते, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, क्या करोगे क्या करोगे, कोई धुआं आ रहा है, डस्ट है, मिट्टी आ रही है, आप सांस ले पाओगे। इन्वायरमेंट को शुद्ध रखना, साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये हम बोलते हैं जय कुमार इन्वायरमेंट का ध्यान रखेगा, हमारी तरफ से किसी भी चीज़ों को कोई भी दिक्कत नहीं आ पाएगी, तो वो चीज़ करेंगे। उसके बाद हम जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट है सारी की सारी उनको फॉलो करेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब जैसे पुलिस है, रोड के ऊपर पुलिस खड़ी है, पुलिस अगर रेड लाइट आप जंप करोगे तो पकड़ेगी आपको, छोड़ेगी, पकड़ेगी ना। तो हमारा काम क्या है कि हम ऐसा काम ही ना करें, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया। अगर आपको काम के बारे में आइडिया नहीं है और आप साइट पर जाके काम शुरू करेंगे, सबसे पहली बात तो आप पहले ही पहचाने जाओगे, क्योंकि आपके पास ना हेलमेट है, ना जैकेट है, ना जूता है, तो कोई भी आदमी आपको देखेगा तो पता लग जाएगा ये बंदा नया है, उसको अभी सेफ्टी का इंडक्शन उसका नहीं हुआ है, उसको पहले ये चीज़ सीख के आनी पड़ेगी, तब वो साइट पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद वर्क परमिट्स वगैरह लिए तब आप साइट पर पहुँचोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। हम लोग ये सेफ्टी की जो सारी गाइडलाइन है, जो क्लाइंट की भी है हमारी भी है, हमारा जो क्लाइंट है वो मेट्रो है, जो मेट्रो वाला है, जो हम जिन्होंने हमको काम दिया है काम करने के लिए, तो हमारा जो क्लाइंट है वो GMRC है, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उसकी तरफ से हम लोग ये काम करेंगे। ये हमारी सेफ्टी की पॉलिसीज है, अलग अलग पॉलिसी अलग अलग चीज़ को कवर करती है। जब भी आप कभी साइट पे काम करते हो तो मान लीजिए आपको ब्रिक वर्क करना है, मतलब मैसन का काम करना है, मिस्त्री का, ईंटें लगानी है, मसाला तगारी ये सब करना है, आपने मसाला बना के ईंट की अपनी चार दीवारी खींच दी और उसके बाद में चार ईंटें वहाँ पड़ी हैं, दो ईंटें यहाँ पड़ी हैं और तीन चार ईंटें रास्ते में बिखरी पड़ी, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। हमारा जो जिम्मेदारी है वो क्या बनती है कि जब हम साइट पे काम छोड़ेंगे तो जो पत्थर जो इधर उधर टूट फूट हो गई है उसको उठा के एक जगह पे रख देना है, ताकि कोई भी आदमी, जैसे मान लीजिए अभी दिन में आराम से सबको दिखाई दे रहा है, नाइट होगी, रात होगी, तो क्या होगा, किसी आदमी का पैर पड़ेगा तो मोच आ सकती है और दुर्घटना हो सकती है बड़ी। इसके लिए साइट के ऊपर साफ़ सफाई रखेंगे, तो हाउसकीपिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हम कोशिश करेंगे अपनी साइट को जितने भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन है, धूल मिट्टी है, लकड़ी पड़ी है, ईंटें पड़ी हैं, उनसे हटा के रखना है, उनको हटाना है, साइट हमेशा साफ़ रहनी चाहिए। अभी ये फर्श आपको साफ़ नज़र आ रहा है, यहीं पे आपको कंचे ना, छोटे कंचे गोटी, उन कंचों को बिखरा दिया जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, आप गिरोगे बचोगे, क्यों, क्योंकि हम लोग नीचे देख के नहीं चलते हैं भाई, हम लोग ऊपर देख के चलते हैं या सामने देख के चलते हैं, नीचे कौन देखता है।
तो हमारे पैर के नीचे अगर आएगा तो फिसलेगा ना, इसलिए नीचे कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा ऊपर रहता है, इससे ऊपर ही रहता है हम लोग। तो हमको वहाँ यहाँ से अगर नीचे का दिखाई देगा तो वो दीवार के पास दिखाई देगा, अगर यहाँ से देखोगे तो वो दरवाजे के नीचे वाला एरिया हमें, तो ऐसे ऐसे देखने के लिए ऐसे झुकना पड़ेगा या अपनी गर्दन को ऐसे पोजिशन करनी पड़ेगी ताकि नीचे का देख पाएँ, है ना। आप दाएँ बाएँ देखेंगे तो इस तरफ से देखना पड़ेगा, तो देखें जहाँ पर आपकी नज़र नहीं पहुँच पाती है, इसके लिए आपको सारे का सारे एरिया साफ़ सुथरा रखना है, हमेशा सेफ्टी करनी है। जितने भी आपके मटेरियल हैं, आपके अपरेटस हैं काम करने वाले, उनको सेफ तरीके से रखना है, सही सलामत जगह पर रखना है। अब जैसे देखिए इसकी जगह पर ये है, मैं यहाँ पर बैठ के इसके साथ में काम करने वाला हूँ और मैं इसको ऐसे कर दूँ नीचे, तो क्या होगा, ये गिरेगा पहली बात तो, और काम नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, वहाँ से देखने में तकलीफ होगी। जो चीज़ पे जिसकी जगह पे वहाँ निर्धारित की गई है वो चीज़ वहीं पे होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सामान रखा हुआ है एक एक करके, तो सुंदर लग रहा है ना, यही चीज़ एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे रख दी जाए क्रॉस करके तो कैसे लगेगी। साइट के ऊपर जब भी हम कभी काम करेंगे तो हमने कोशिश ये करनी है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी जगह एक एक चीज़ निर्धारित जगह पे रखी गई हो, दूसरी जगह पे ना रखी गई हो। इस चीज़ के दो तीन फायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, आपको जो भी चीज़ आपने जहाँ रखी थी वहाँ पे मिलेगी। दूसरी बात, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी। मान लीजिए हम घर है, घर के अंदर आपने चार बैग ऐसे डाल दिए, आप बाहर से आए हो आज, आपने क्या किया, एक बैग के अंदर आपका कपड़े थे, दूसरे बैग के अंदर छोटे कपड़े थे, तीसरे बैग के अंदर ब्रश था, कुछ और था, तौलिया वगैरह था। आपको एक चीज़ चाहिए है, मान लो आपको ब्रश चाहिए, तो आप कितने बैग आपको खोलने पड़ेंगे। लेकिन आपने अनपैक कर दी जगह और आपने वहाँ पे रख दिया ब्रश, यहाँ पे रख दी कोलगेट, वहाँ पे रख दिया जीभ साफ़ करने वाला, तो क्या होगा, आपको वहीं से उठानी है अपनी चीज़ और यूज़ करनी है। और अगर मैं आपको अचानक से बोल दूं भाई मेरे को वो चीज़ दे दो, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि घास के भूस के अंदर एक सुई ढूंढनी है, ऐसा हो जाएगा। आपको टाइम लगेगा, आपके दिमाग पे भी लोड आएगा बेकार का, और आप परेशान भी होगे कि नहीं होगे। लेकिन जो चीज़ आपको सामने दिखाई दे रही है उस चीज़ को पकड़ना, देखना, समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं से उठा के उसको यूज़ करना और वापस उसको वैसे ही रखना है, अपनी चीज़ों को सही सलामत रखना है। तो जितने मटेरियल जितने इक्विपमेंट आप रखोगे उनको सही तरीके से साफ सुथरा करके रखना है। उसके बाद आपके साइट के ऊपर कहीं तेल, ग्रीस, लुब्रिकेंट या कोई ऐसा कम्बस्टिबल मटेरियल जिसमें कि आग लग जाए वो नहीं होना चाहिए। क्या लग जाए, आग लग जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले हैं, वेल्डिंग का काम करने वाले हैं, वहाँ पे अगर ऑयल पड़ा है, पेट्रोल पड़ा है, डीजल पड़ा है, तो आग लग सकती है ना। तो जब कभी ऐसा काम करना है तो उसको उठा के दूर रखना है जहाँ पे आग की कोई जगह ना हो, जहाँ पे आग का कोई काम ना हो। उसके अलावा आपको जब भी कभी काम ख़त्म हो गया है तो जैसे हमने बताया है कि उसको अच्छी तरीके से जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी वहीं पे उसको रख देना है। कोई भी डिफेक्टिव टूल, कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कि टूट गया है, आप हैमर यूज़ कर रहे थे, आप छीनी यूज़ कर रहे थे, छीनी में क्या होता है कई बार जब यूज़ करते हैं ना मार मार के ऊपर का जो पतरा होता है ना वो टूट के मुड़ जाता है ऐसे। अगर ऐसा हो गया ना तो उसको पहले तोड़ के हटा दो। क्यों? क्योंकि जब कई बार ऐसा होगा जब आप हैमर मारेंगे तो वो टूटेगा और टूट के आपकी आँख में लगेगा जाके, है ना। आपका हैमर है, आप हैमर यूज़ कर रहे हो, कई बार क्या होता है लकड़ी का जो हत्ता होता है वो टूट जाता है, तो लोहे का सरिया वेल्ड नहीं करना है उसके अंदर, वो आपका हाथ खा जाएगा। जिस चीज़ की जगह जिस चीज़ के लिए यूज़ करना है उसी को यूज़ करेंगे हम लोग, दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर टूट गया है तो अपने सेफ्टी वाले साहब को बोलेंगे साहब ये टूट गया है। मान लो फावड़ा यूज़ कर रहे हो, अब फावड़ा आपका यूज़ करते करते टूट गया, उसमें से ऐसे क्रैक्स आ गए, त्रेड़ आ गई उसके अंदर, तो क्या होगा, जैसे आप उसको पकड़ोगे तो आपका हाथ जैसे ही मारोगे खाएगा हाथ को, तो वो हाथ को ना खाए, हाथ सही सलामत रहे। इसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा डिफेक्टिव टूल है तो साहब को बोलेंगे साहब इसको बदली कर दो, नहीं तो फिर सेफ्टी वाले साहब को बोलेंगे, सेफ्टी वाले साहब का नंबर लेके जाइएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तुरंत फ़ोन करना है। उसके बाद में अगर कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर गार्ड नहीं है, जैसे हमने पंखे का एग्जांपल दिया, आपके घर के अंदर पंखा रखा हुआ है और आप यहीं पर सो रहे हो, तो गलती से उसके अंदर हाथ जा सकता है, इसके लिए उसके अंदर जाली लगाई गई है। कोई भी मशीन साइट के ऊपर, बहुत सारी मशीन ऐसी हैं जिनके ऊपर गार्ड लगे हैं, जैसे पानी की मोटर है, है ना, कंप्रेसर है बड़े बड़े जो हवा का प्रेशर बनाते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अगर गलती से उंगली चली गई ना तो बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे उंगली थी भी कि नहीं थी, ऐसा हाल हो जाएगा, बहुत स्पीड से घूमता है वो, उसकी जो रोटेशन है ना, घूमने की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है। अब जैसे एक सिक्का है, आप एक ऐसे सिक्के को पकड़ो और ऐसे मारो तो क्या करेगा, सिक्का घूमेगा, उसको आप ऐसे करके रोक सकते हो ना, लेकिन वो मशीन को नहीं रोक पाओगे, क्या करेगा वो, हाथ जड़ से उड़ा देगा वो हाथ को, स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा पार्ट देखो जिसके गार्ड ओपन है तो उसको यूज़ मत करो, उस साहब को बोलो, सेफ्टी वाले साहब को, साहब ये गार्ड है, इसके अंदर किसी की हाथ चला जाएगा, उंगली चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे ऐसी कोई जगह है वहाँ पे लूज कपड़े मत पहन के जाओ,
अभी सर्दी का मौसम आने वाला है तो हम क्या करते हैं, हम कोई स्टाइल में गमछा वमछा मार लिया, चद्दर ले ली, तो हम जैसे ऐसे करेंगे उसमें फंस जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जब उसमें फंस गया और आदमी की गर्दन कट गई है, पूरा आदमी मशीन ने खींच लिया है, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। हमको क्या कोशिश करनी है कि इन मशीनों से जो घूमने वाले पार्ट हैं उनसे दूर रहें, उन पर लिखा भी हुआ है सब जगह पर आपको दूर रहना उनसे। अगर कुछ हो जाता है तो सब साइड पर फर्स्ट एड बॉक्स है, ऐसे लाल कलर में हरे कलर में आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है, उसके ऊपर प्लस बना हुआ है, एक प्लस का साइन हुआ है, जमा का साइन बना हुआ है, उसके ऊपर वो रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए गलती से चोट लग जाती है, अगर छोटी मोटी चोट है या खरोच है तो वहीं पे ठीक कर लेना है, लगा लेना है वो। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलती है तो ये जो ऑफिस मेरा है यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, उनको आके दिखाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा, कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। अभी जैसे आपका ब्लड टेस्ट किया गया ना, कोई पैसा लिया गया नहीं लिया जाएगा। आगे भी जब कभी भगवान ना करे आपको कभी ज़रूरत पड़े, वो कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें देखने ही नहीं चाहिए, मतलब आइए ना किसी के साथ ये मौका, लेकिन अगर आ भी जाए तो घबराना नहीं है, कहीं नहीं जाना बाहर, पहले डॉक्टर साहब के पास आके दिखा लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको हाउसकीपिंग मेंटेन करनी है साइड के ऊपर। ये देखिए ये दोनों की दोनों जगह आपको कैसी लग रही हैं, अच्छी हैं कि बुरी हैं? बुरी हैं। क्यों हैं बुरी? क्योंकि अव्यवस्थित तरीके से चीज़ों को रखा गया है। तो हमको क्या करना है, साइट के ऊपर ऐसा हाउसकीपिंग नहीं बनाना, ऐसा साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट चाहिए, साफ़ सुथरा लगना चाहिए, जहाँ पे साफ़ जगह रहती होती है। कहते हैं ना भगवान भी वहाँ पे आते हैं जहाँ पे साफ़ सुथरी जगह हो। क्यों? क्योंकि साफ सफाई सबको पसंद है। एक एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहूँगा, मान लो जैसे कहीं पर किसी ने थूका हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमारा नेचर ऐसे है हम भी थूकेंगे वहाँ पर, है ना। कोई जगह पर आपको बदबू आ रही है सूसू करने की, वहाँ लोग मूत रहे हैं जाके, तो आप भी वहाँ ज़रूर मूतोगे जाके। अगर कोई साफ़ सुथरी जगह है आप मूतोगे क्या? नहीं मूतोगे। अभी ऑफिस के अंदर मूत सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि साफ़ सुथरा है, जहाँ गंदी होगी वहीं आदमी गंद फैलाएगा। तो जहाँ पे भी गंदगी है, जैसे देखा ना गाँव, जब कोई रोड ऐसा होता है जहाँ पे कूड़े कचरे का ढेर लगा होता है, आप भी क्या करोगे, चार दिन बाद आपके पास कूड़ा भर गया आप भी वहीं फेंक के आओगे। क्यों? क्योंकि इंसान का नेचर ऐसा ही है, हम जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। तो हमको क्या करना है, साइट के ऊपर सावधानी बरतनी है, जगह जगह पर डस्टबिन रखे हुए हैं, अपना जो कोई ऐसी चीज़ है उसको डस्टबिन में ही डालना है ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। क्योंकि डस्टबिन में डालेंगे तो क्या होगा, अगले दिन कचरे वाला आता है, कचरे वाला क्या करेगा, उसको लेके चला जाएगा, साइट पर गंदगी नहीं फैलेगी। तो ये गंदगी से बचाना है अपने आपको, हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। ये साफ़ रखिए, नेशनल सेफ्टी काउंसिल है NSC, उसका ये है, उसका एक साइन है, पोस्टर है, वो बना हुआ है। तो ऐसे आपको मैनेज करना है साइट पर। अब है वेल्डिंग और गैस कटिंग। जब आप वेल्डिंग करने वाले, वेल्डिंग का मतलब जब दो धातुओं को जोड़ते हैं तो उसको वेल्डिंग बोलते हैं। तो अगर वेल्डिंग का काम करने वाले हो तो आपको जितने भी जलने वाली चीज़ हैं या जलाने वाली चीज़ हैं उनको दूर रखना है या उनसे दूर रहना है। मान लीजिए आपको एक चीज़ यहाँ पर वेल्ड करनी है और यहाँ पर ऑयल पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है, इसके अंदर स्पार्क लग के आग लग सकती है, या नीचे भूसे का ढेर है या कपड़े का ढेर लगा हुआ है आगे, तो क्या करना है, तुरंत आग लग जाएगी ना। गर्मी में कितने सारे केस ऐसे होते हैं कि अपने आप ही आग लग जाती है ना। साइट के ऊपर क्या है, जहाँ पे भी ऐसी जलने वाली चीज़ है, जब भी आप कभी वेल्डिंग करने के लिए बैठेंगे तो क्या करना है, एक बाल्टी लेके बैठेंगे। बाल्टी ले क्यों बैठेंगे, अगर गलती से आग लग भी गई तुरंत पानी डाल दो, बुझ जाएगी। आग के केस में क्या होता है, जितना आप आग को ज़्यादा टाइम दोगे ना उतना आग बड़ी हो जाएगी, उतना फैलेगी। तो हमको क्या करना है, फैलने देना ही नहीं है आपको ना। घर पे जैसे हम लोग कभी, जब घर पे हम हर एक आदमी के पास में कुछ दवाइयाँ रहती हैं, खांसी जुकाम बुखार की रहती है ना, क्यों रहती है, एमरजेंसी आ गई तुरंत दे दो, एकदम भागना नहीं है आपको। रात को 12 बजे अगर हमको दिमाग सिर में दर्द हो गया या कुछ और हो गया तो हम क्या करेंगे, तुरंत एक गोली खा सकते हैं ना। अगर नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना है, तब तक हालात बिगड़ सकते हैं ना। फायर का केस उससे भी बुरा है, अगर मान लीजिए एक स्पार्क, यहाँ पे एक स्पार्क जलने वाली चीज़ है, किसी ने बीड़ी सिगरेट पी के भी फेंक दी ना, और नीचे भूस है, भूस देखा ना, भूसा जो चारों को भैंस गायों को खिलाते हैं जो, ऐसा है, या सूखी घास है, गर्मी में तो नॉर्मल सूखी घास हो ही जाती है, वहाँ पे अगर एक पतंगा बिगड़ गया तो क्या होगा, बहुत जल्दी आग फैल जाएगी, क्योंकि हवा बहुत सारी है एनवायरनमेंट के अंदर, हवा लगेगी फैल जाएगी आग। अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, आपके पास में एक बाल्टी की पानी भरी हुई है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे बाल्टी का पानी फेंक दोगे तो आग बुझेगी बचेगी, बुझ जाएगी। तो हम जहाँ पे भी कुछ ऐसा काम करने वाले हैं उनसे सारी जलने वाली चीज़ों को हटा देंगे और वहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई बना के रखेंगे। जितने भी जो वेल्डर जो काम करेंगे वो हमारे पास हमेशा जो अपने पहनने वाले उनके कपड़े हैं उनको तेल और ग्रीस से बचा के रखेंगे। वेल्डर को ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिनमें आग ना पकड़े, तो लेदर के होते हैं, वो लेदर के होंगे, जीन्स के होंगे, उसका हैवी कपड़ा रहता है मोटा, तो छोटे मोटा जो पतंगा होगा ना उसको लेके जलेगा नहीं वो। अगर नॉर्मल तरीके से आप कपड़े पहनोगे तो हल्का सा, कई बार होता है ना बीड़ी पीने वालों के दाग लग जाते हैं इधर,
माचिस की तीली जलाई, उसमें जब चप करके एक वो आया और जल गया कपड़ा। ऐसे ही आग लगने वाला केस भी है। अगर कोई आग लगने वाला या आग के साथ में काम कर रहा है तो उसको ऐसे कपड़े दिए जाएंगे जिसमें कि आग ना पकड़े। उसके बाद में प्रॉपर पीपीई जैसे हमने पहना, जैसा काम है वैसा आपको हेलमेट, जैकेट, जूता, चश्मा सब पहनना है आपको। जितने भी सिलेंडर हैं, जब हम लोग कटिंग का काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं, तो आपके जो दो सिलेंडर होते हैं, एक में गैस आती है जो जलाने का काम करती है, एक में वो गैस होती है जो जलती है। जैसे एक में LPG या ड्राई एसिटिलीन, ऐसी गैसें होती हैं। ड्राई एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिलके दो गैस बनके फिर आपकी गैस कटिंग या बर्निंग वो सब कुछ हो पाता है। अगर आपको मेटल काटना है तो प्रेशर खूब चाहिए तो वो काटता है। जितने भी ये होते हैं ना, उनके अंदर क्या करते हैं हम लोग, फ्लैश बैक अरेस्टर लगा देते हैं। फ्लैश बैक अरेस्टर एक इतना सा डिवाइस है, उंगली के जैसा डिवाइस है। वो क्या करता है, उसमें एक NRV लगी रहती, नॉन रिटर्न वाल। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक पानी का पाइप है, पीछे से पानी आ रहा है, तो पीछे से पानी जो आ रहा है ना, वो आगे ही जा पाएगा, पीछे नहीं आएगा, बैक नहीं आ पाएगा। उसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, NRV। तो एक ही तरफ फेंकेगा, वो आगे नहीं लेगा। क्यों दिया जाता है ऐसा? मान लीजिए आप गैस कटिंग कर रहे हो और उस पाइप के अंदर आग लग गई, तो पाइप के साथ साथ आग पीछे की तरफ जाएगी। पीछे वो सिलेंडर में कनेक्टेड है, सिलेंडर में जाएगी तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए वो NRV लगाते हैं ताकि वो जो गैस है वहीं रुक जाए। NRV है जो फ्लैश बैक अरेस्टर होता है, वो आग को वहीं रोक देगा। वो जैसे हम पानी का पाइप को सिर्फ आगे फेंक सकते हैं पीछे नहीं, ऐसे ही वो रोक देगा उसको। तो ऐसे रोकने के लिए वो दिया जाता है। तो आपको दोनों जगह पे लगाना है, ऑक्सीजन वाले में भी लगाना है और ड्राई एसिटिलीन वाले में भी लगाना है, दोनों में आपको लगाना है। उसके बाद में जितने भी आपके जो ऑक्सीजन आप जो यूज़ करने वाले हो या एसिटिलीन यूज़ करने वाले हो, उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है गेज, जिसके ऊपर दिखाता है प्रेशर कितना है। तो उसका दिखाता है, एक बार से ऊपर का प्रेशर नहीं होना चाहिए उसका। जब भी आप कभी ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो जो एसिटिलीन का जो प्रेशर है वो एक बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार कितना होता है, जितने हम लोग यहाँ हवा में खड़े हैं, ये जो हमको हवा मिल रही है ना, ये एक बार है, ये एक बार का प्रेशर ये वाला है। और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो और ज़्यादा स्पीड से जाएगा वो, तो इतना प्रेशर रहना चाहिए। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिक या वेल्डिंग कर रहे हो, जैसे कोई ऐसी दो तरीके की गैस कटिंग हो गई, एक वेल्डर होता है जो वेल्डर के साथ में अपना टॉर्च मार मार के वेल्डिंग करता है। अगर ऐसा कुछ है तो लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए हम फ़ोन को चार्जिंग पे लगा रहे हैं, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, स्पार्क करता है, दिखाता ना एक चिंगारी सी निकलती है। अगर ऐसा लूज कनेक्शन है, दो तार पकड़ो, एक इधर डालो एक इधर डालो, तो क्या होगा, जलेगा ना, स्पार्क देगा ना। वो स्पार्क क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लूज कनेक्शन है। जितनी बार आप लगाओगे उतनी बार स्पार्क देगा। एक दिन ऐसा आएगा वो आपके हाथ में पकड़ जाएगा और पूरी की पूरी वायर जल जाएगी वो, या धीरे धीरे जो आपने वायर छील रखी है ना, वो छीली छीली वायर पूरी जलते 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 कम हो जाएगी वो। देखिए ऐसा होता है घरों में, जैसे कई बार हम लोग कर देते हैं ना, जुगाड़ करते हैं। अब गाँव में फ्री बिजली आती है, बाहर खंभे की तार बिछी हुई है, अंदर से दो तारें निकाली पक डाल दिया, तो क्या होगा, घर पर बिजली आ जाएगी। लेकिन वो धीरे धीरे देखेंगे वो अपने आप जल जाता है ऊपर का हिस्सा। क्यों जलता है, स्पार्क की वजह से, जो आग जो निकलती है, चिंगारी जो निकलती है, उसकी वजह से वो जल जाता है। तो अगर लूज वायर है तो उसको क्या करेंगे, अलाउ ही नहीं करना है। लूज वायर जितना रहेगा वो कभी भी जल जाएगा, तो उसको उसकी जगह पर प्लग लगाइए। अब जैसे आप नॉर्मल तरीके से प्लग लगाएंगे, अगर ये नंगा वायर है, ये देखिए इस तरीके का